हे गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंफोसिस के ऊपर, एंड आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। सो बेसिकली इंफोसिस बैंस एक्स एम्प्लॉयज टू वर्क विद टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, आईबीएम, एक्सेंचर। ये हो गया भाई, मतलब अभी जो इंफोसिस में जिन्होंने रिजाइन कर दिया है या फिर वो ट्राई कर रहे हैं रिजाइन करने का इंफोसिस से, तो भाई वो इन कंपनीज में जो मैंने नेम ले रखे हैं इन कंपनीज में ज्वाइन नहीं कर सकते। एंड इसका भी उन्होंने कारण दे रखा है कि क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते एंड कितने मंथ के लिए ज्वाइन नहीं कर सकते और क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें भी बताया है। और उन्होंने ये रूल क्यों इम्पोज किया है उसका भी कारण बताया है कि भाई क्यों कर दिया उन्होंने ऐसा रूल्स। तो चलो बात करते हैं इसी के ऊपर। तो बेसिकली गाइस, इंफोसिस ने क्लियरली मेंशन कर रखा है जो उनके 6 कॉम्पिटिटर है उनमें अगर आप इंफोसिस जैसे रिजाइन करते हो इंफोसिस से, तो उन कंपनीज में आप ज्वाइन नहीं कर सकते 6 मंथ के लिए। जैसे आपने इंफोसिस से रिजाइन किया एंड 6 मंथ के 6 मंथ बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन 6 मंथ का जो पीरियड होगा ना उसमें आप ज्वाइन नहीं कर सकते। एंड उसका एक और रीजन दिया है कि आप जैसे किस कंपनी में ज्वाइन करते हो एंड आपने इंफोसिस में जिस क्लाइंट के लिए काम किया है और आप दूसरी कंपनी में भी उस क्लाइंट के लिए काम करना चाह रहे हो, तो नहीं करोगे, नहीं आप ज्वाइन कर सकते उस कंपनी में। आपका जो ऑफर लेटर होगा वो आपका ऑफर लेटर रिजेक्ट हो जाएगा एंड आप उस कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब सीरियसली इस टाइप के रूल्स लाना मतलब ही नहीं बनता। बट उन्होंने एक रीजन दिया है कि हमने ये रूल्स क्यों लाए हैं, क्योंकि इंफोसिस से लास्ट 3 मंथ में ना 80,000 लोगों ने ना एम्प्लॉयज ने रिजाइन कर दिया भाई। अब इसके रीजन तो बहुत ज्यादा होते हैं कि जैसे अब मैंने आपको बताया था भाई मैंने रीजन क्यों किया, क्योंकि भाई यार कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं वहां पे आपको सीखने को कुछ मिलता नहीं, बेंच पे इतने दिनों के लिए होता है, बेंच पीरियड इतने दिनों के लिए होता है यार वहां पे, एंड आपको प्रोजेक्ट कोई अच्छा मिलता नहीं, आपका सैलरी है कितना अच्छा होता नहीं। मैंने आपको सैलरी के ऊपर बताया था इंफोसिस की सैलरी के ऊपर कि मेरा लास्ट 3.2 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद मेरी सैलरी कितनी हुई थी। तो ये सोचो अगर कोई बंदा 3 या 4 साल तक इंफोसिस में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, कुछ नहीं होगी भाई। एंड आपको पता ही है इंफोसिस ने ना लास्ट ईयर में भी 80,000 न्यू एम्प्लॉयज को हायर किया है। एंड आपको तो समझ लो कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आपकी सैलरी इतनी होगी 24,000-25,000 रुपए, तो डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि भाई मैं एक चेंज करूं एंड मेरी सैलरी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाए। तो इसकी वजह से ना जो इनका एट्रिशन रेट है ना वो 20% चला गया है। बेसिकली 27% एम्प्लॉयज ने इंफोसिस से रिजाइन कर दिया है 3 मंथ के लिए। एंड गाइस, मैं आपको बता दूंगा जो 12th मंथ का इनका जो सिस्टम है ना कि आपने 12th मंथ जैसे किसी क्लाइंट पे काम किया है, सेम क्लाइंट के लिए आप वहां थे, जैसे आप इंफोसिस में हो एंड आपने इंफोसिस पे काम किया कोने एलिवेटर पे, तो आपने 12th मंथ का कोने एलिवेटर पे काम किया इंफोसिस में, एंड आप एक्सेंचर में गए या टीसीएस में गए तो वहां पे भी आप सेम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो कोने एलिवेटर के लिए, तो आप उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक और डाउट है कि मतलब इन्होंने यहाँ पे तो मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन मेरा खुद पर्सनल डाउट है कि अगर हम उस क्लाइंट के लिए काम ना करें दूसरे क्लाइंट के लिए काम करें तो क्या हम उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे रूल्स इन्होंने इंफोसिस वालों ने इम्पोज कर दिया है। एंड जो ऑफर लेटर रिलीज करेंगे न्यू हायरिंग के लिए तो वहां पे ये स्ट्रिक्टली मेंशन होगा कि ये रूल्स हैं, अगर ये रूल्स आप फॉलो करोगे तो आपका इंफोसिस में वेलकम है, अदरवाइज आप अपना जो ऑफर लेटर विथड्रॉल कर सकते हो। सो गाइस, NITES ने इसके लिए कंप्लेंट रजिस्टर कर लिया इंफोसिस के खिलाफ कि ऐसा कोई रूल होता है यार, ये कोई रूल लगना चाहिए ऐसा। तो डेफिनेटली यार हम लोग सब लोग चाहेंगे कि ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार तुम्हारा मन करे तुम किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। डेफिनेटली यार लोगों को सैलरी पे ही ज्यादा वो होगा ना कि यार तुम्हारा 2 या 3 ईयर के बाद इन स्टार्टिंग में सैलरी इतना कम होता है, तो 2 या 3 ईयर के बाद यार एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं अगर किसी दूसरी कंपनी में स्विच मारता हूँ तो डेफिनेटली मेरी सैलरी इंक्रीज होगी, तो हर कोई चाहता है ये चीज़ें। बट इंफोसिस को समझ में नहीं आ रहा भाई, इंफोसिस चाहती है 25,000 पे तुम दवा के काम करो इंफोसिस में, एंड मुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा दिनों तक चल पाएगा। शायद इंफोसिस को विड्रॉल ही करना पड़ेगा ये जो भी न्यू रूल्स लगाया इन्होंने। बाकी मुझे ज्यादा नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड आपको कोई इश्यू होता है तो मुझे DM भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।